हॉलीवुड ने एक वो दौर भी देखा है जब फिल्मों में नायक से कहीं ज्यादा खलनायक लोकप्रिय हुआ करते थे और उनकी अदायगी का लोहा माना जाता है, चाहे अजीत हो या फिर प्राण, या फिर चाहे फिल्म शोले के गब्बर सिंह हो। इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी को उस दौर की पीढ़ी आज तक याद रखती है। खलनायिकाओं के किरदार में बिंदु ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। सिल्वर स्क्रीन पर बिंदु भले ही एक क्रूर महिला का किरदार अदा करती रही, लेकिन असल जिंदगी में उनकी जैसी अदाकारा चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। बिंदु ने संघर्ष का जो लंबा सफर तय किया वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। पर्दे पर 160 फिल्मों में नेगेटिव रोल करके दर्शकों की जली कटी सुनने वाली बिंदु ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। कांटों से भरी उनकी जिंदगी कैसे गुलजार हो गई, ये बताते हैं हम। तो चलिए आपको सुनाते हैं बिंदु की असल जिंदगी की कहानी। 17 अप्रैल 1941 को बिंदु का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ। पिता नानक भाई देसाई अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में बनाते थे। तब फिल्में बनाने के लिए लाइसेंस लेना होता था और परिवार के पास 2 लाइसेंस थे। माँ ज्योत्सना स्टेज आर्टिस्ट रही। घर में फिल्मी माहौल होने के बाद भी बिंदु को हमेशा इस लाइन से दूर रखा गया। यहाँ तक कि बचपन में फिल्में देखने की इजाजत भी नहीं थी उनको। बिंदु घर में रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थी और उस पर डांस भी करती थी। तब बिंदु का परिवार गुजरात के वलसाड जिले के हनुमान भागड़ा गांव में रहता था। बाद में बिंदु का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहीं पर बिंदु ने पहले दुख भरी जिंदगी देखी और फिर अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद की बदौलत एक मुकाम हासिल किया। बचपन में ही बिंदु ने भरतनाट्यम और कथक सीखा। डांस का शौक इस कदर दिमाग में चढ़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक डांस करते ही जाया करती थी। बिंदु बहुत छोटी थी और एक बार अपनी माँ का स्टेज शो देखने के लिए चली गई। नाटक में माँ ने क्या डायलॉग बोला वो तो नहीं समझ पाई, लेकिन बिंदु ने देखा कि पूरा हॉल रो रहा है। दूसरे लोगों को देखकर बिंदु भी रोने लगी। बाद में वो रोते हुए माँ के पास गई तो माँ उसे पूछी कि आखिर वो रो क्यों रही है, तो बिंदु ने भोलेपन से कहा कि सबको रोता देख मैं भी रो पड़ी। बिंदु घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और बिंदु की 6 बहनें और 1 भाई था। अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। तब बिंदु की उम्र केवल 13 साल की थी जब बिंदु के पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जूझ रहे थे। तब उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखेगी। फिर वो बोले, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब ये बुड्ढा तेरा ख्याल रखेगा। असल में वे शिरडी के साई बाबा को बुड्ढा कहते थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में बिंदु के सिर से पिता का साया उठ चुका था। तब बिंदु की स्थिति कैसी होगी, वो भी तब जब बिंदु के ऊपर 6 बहनों और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। बिंदु ने पैसा कमाने के लिए मॉडलिंग की। फिर 1962 में बिंदु को डायरेक्टर मोहन कुमार की सुपरहिट फिल्म अनपढ़ में काम करने का मौका मिला। बिंदु की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेहनत की और शुद्ध हिंदी सीखी। इसके बाद भी बिंदु को कहीं काम नहीं मिला। इसी बीच बिंदु की मुलाकात चंपल लाल झवेरी से हुई। चंपक उनकी बिल्डिंग के पीछे ही रहते थे और उनकी बहन बिंदु की खास दोस्त थी, इसलिए घर आना जाना था। जब चंपक लाल के घर वालों को पता चला कि बेटा बिंदु से इश्क की पिंगे बढ़ा रहा है तो कई तरह के पाबंदियां लगा दी गई। पाबंदियों के बाद भी बिंदु का प्रेम परवान चढ़ता चला गया और आखिरकार 1964 में बिंदु की शादी चंपक लाल झवेरी से हो गई।
तीन दिन तक शादी का जश्न चला, लेकिन उसके बाद उनके घर वालों ने आंखें फेर ली और पतिदेव को पुश्तैनी बिजनेस से भी बेदखल कर दिया गया। यूं तो शादी के बाद बिंदु को अपने ससुराल जाना था, लेकिन वो गई नहीं, क्योंकि शादी इसी शर्त पर की गई थी कि बिंदु को अपने छोटे भाई और 6 बहनों की परवरिश करनी है। चंपक बहुत समझदार थे और वे अपना घर छोड़कर बिंदु के साथ रहने लगे। हमेशा बिंदु को हौसला देते थे कि हम दोनों मिलकर न केवल घर चला लेंगे बल्कि बच्चों की परवरिश भी करेंगे। सच पूछा जाए तो उनका ससुराल से पूरी तरह से नाता टूट चुका था। एक बार बिंदु और चंपकलाल अपने पारिवारिक मित्र चंद्रशेखर की पार्टी में गए। तब साथ में बिंदु की सबसे छोटी बहन भी थी। वहां पर प्रख्यात संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आए हुए थे। बिंदु को नहीं मालूम कि लक्ष्मी जी से बिंदु की बहन की कब आंखें चार हो गई। लक्ष्मी जी घर आने लगे और बिंदु की छोटी बहन का उनसे विवाह हो गया। उनके घर के आसपास ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्टूडियो हुआ करता था। एक रात बहुत देर हो गई और वे नहीं आए, तो बिंदु अपनी बहन के साथ स्टूडियो पहुंची। वे एक फिल्म के म्यूजिक में व्यस्त थे। वहां पर राज खोसला जी भी थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि बिंदु उनकी साली है। राज खोसला ने फिर पूछा, फिल्मों में काम करोगी? बिंदु ने हाँ कह दिया। वो बोले, मैं एक फिल्म बनाने वाला हूँ, दो रास्ते, उसमें नेगेटिव रोल है। बिंदु ने तुरंत हाँ कह दी। 15 दिन बाद वे फिल्म मेरा साया की शूटिंग पर थे और संदेश आया कि आ जाओ, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेना है। बिंदु वहां पहुंची और उनको एक डायलॉग दिया गया। बिंदु ने खूब तैयारी की और डायलॉग एक ही शॉट में कहा। कट के साथ वो सिंगल टेक का शॉट खत्म हुआ और बिंदु के काम के लिए तालियां बजी। इस तरह बिंदु को फिल्म दो रास्ते में एंट्री मिल गई और बन गई वो हमेशा के लिए एक खलनायिका। स्टूडियो में गीतों की जब रिकॉर्डिंग होती तो बिंदु भी वहां होती। दो रास्ते का संगीत लक्ष्मीकांत, बिंदु के जीजा जी और प्यारेलाल जी ने दिया, जबकि गीत आनंद बख्शी के थे। जब बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े तो उड़ जाए, कजरा बहकेगा की रिहर्सल चलती, तो आनंद बख्शी बिंदु को चिढ़ाते कि ये गाना भले ही मुमताज के लिए बना है, लेकिन देखना इसमें बिंदु ही चमकेगी। और हुआ ये ही। हाँ, शुरू के 2 हफ्ते फिल्म दो रास्ते की प्रतिक्रिया ठीक नहीं रही, लेकिन बाद में तो यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद ही बिंदु को एक बार शक्ति सामंता ने बुलवाया, कहा, मैं फिल्म कटी पतंग बना रहा हूँ, उसमें एक कैबरे के लिए तुमको रोल देना चाहता हूँ। बिंदु ने कभी कैबरे डांस नहीं किया था। फिर बिंदु ने अपने आप से कहा कि अरे बिंदु, तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तुझे ये रोल करना ही है। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। बिंदु का ये कैबरे भी सुपर हिट हुआ। इसके बाद बिंदु कामयाब होती गई और बिंदु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिंदु बताती है कि उन्हें शिरडी वाले साई बाबा पर काफी श्रद्धा रहती है। घर में उनकी बड़ी सी मूर्ति स्थापित की हुई है। हर गुरुवार को विशेष पूजा होती है। बिंदु की कामयाबी में बिंदु के पति चंपक का बहुत बड़ा हाथ रहा। भले ही बिंदु ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन बिंदु ने अपनी सभी बहनों को खूब पढ़ाया। उनमें से एक डॉक्टर बनी तो एक लॉयर। सब बहनें और भाई सेट हैं। बिंदु अपने पति का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने बिंदु के पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ा और बिंदु के घर रहकर न केवल उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि उनके बहनों और भाई को भी संभाला। आज बिंदु जो कुछ भी हैं, वो उनके पति चंपकलाल झवेरी की वजह से ही हैं। वह ये बात बखूबी बताती है।
अब अवार्ड के लिए बिंदु कई फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुई। फिल्मों का नाम अगर मैं आपको गिनवाऊं तो कुछ ऐसे हैं: इत्तेफाक जो कि आई 1969 में, दो रास्ते 1970, दास्तान 1972, अभिमान 1973, हवस 1974, इम्तिहान 1974 और अर्जुन पंडित जो कि 1976 में आई थी। इन सभी फिल्मों में बिंदु को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में नॉमिनेट किया गया था। अब बॉलीवुड में बिंदु की बहुचर्चित फिल्में कुछ ऐसी रहीं: अनपढ़ जो कि 1962 में आई, औरत 1967, आया सावन झुमके 1969, इत्तेफाक 1969, कटी पतंग 1970, अमर प्रेम 1971, मेरे जीवन साथी 1972, धर्मा 1973, जंजीर 1973, हवस 1974, इम्तिहान 1974, अर्जुन पंडित 1976, 10 नंबरी 1976, नहले पर दहला 1977, देश परदेश 1978, खानदान 1989, शान 1980, लावारिस 1981, नसीब 1981, प्रेम रोग 1982, हीरो 1983, कर्मा 1986, आंखें 1993, हम आपके हैं कौन 1994, जुड़वा 1997, बनारसी बाबू 1998, मैं हूं ना 2004, ओम शांति ओम 2007, महबूबा 2008। अब आप ही देखिए 1960 से लेकर 2008 तक बिंदु ने कितने सारे फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से हमारे दिल छुए हैं। आपको भी बिंदु की इस कहानी से आखिर कैसा लगा? क्योंकि ये तो थी बिंदु की जीवन की कहानी, जो सुनकर शायद आपको भी हिम्मत देगी कि इंसान चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और बिंदु ने ये करके ये साबित कर दिया है। तो आपको भी अपने जीवन में कभी भी कठिनाई नजर आए तो एक बार बिंदु की ये जीवनी सुनकर आपको जरूर हिम्मत मिलेगी। तो आप भी हमारे साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिंदु की ये ऐतिहासिक फिल्मों का सफर आपको कैसा लगा, और बिंदु का क्या वो कैबरे डांस आपको अभी तक याद है? नाम है मेरा शब्बो। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो।